सर वैसे कैसे हैं आप लोग। तो आज मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो जॉब की डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार वैकेंसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली निकल गया ये गाइस फोन पे के रिगार्डिंग। तो फोन पे का आपने नाम भी सुना होगा गाइस, बेसिकली आप ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है फोन पे का यूज करते हैं। मोस्टली कॉमन हर कोई जो है फोन पे का यूज ही करता गाइस। तो उसी में ही आज जो है ये रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप भी वर्क करना चाहते हैं फोन पे के साथ तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और कितनी आपकी सैलरी होने वाली गाइस। सो डेफिनेटली गाइस काफी शानदार वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस, और इसमें काफी शानदार आपको प्रोसेस भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, PF हो गया, तो ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज बात करें फोन पे के रिगार्डिंग, तो फोन पे का आपको ऑलरेडी पता है कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक एप्लीकेशन भी है और इसकी वेबसाइट भी है गाइज। तो अगर आप जो है इसमें ज्वाइन करते हैं, फोन पे के साथ वर्क करते हैं, सो डेफिनेटली आप इसमें एक बार अप्लाई करके देखिए गाइज। और इसमें जो हायरिंग होने वाली है गाइज, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है पैन इंडिया में तो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी शहर या गांव से देख रहे हैं, तो पैन इंडिया से भी कहीं से भी देख रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं गाइज। सो गाइज बात करें कि फोन पे में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपने अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर दिया तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। सो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है गाइस वो ग्रेजुएट है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, इसमें आपको कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया आपको। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप जो है सारी डिटेल वहां पर मेंशन हो जाएगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन, और बात करें इसमें एक्सपीरियंस कितनी रिक्वायरमेंट है। सो गाइस अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, फ्रेशर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, सो डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए गाइस। और इसमें अगर आप फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और फ्रेशर होना चाहिए। सो ये इसकी मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखी है गाइस। बात करें कि इसमें सैलरी आपकी कितने होने वाली है, इसमें सैलरी बेसिकली आपकी 30,000 आपकी सैलरी होती है। ये आपकी जो है CTC या इनहैंड इन्हों मेंशन तो नहीं किया, लेकिन 30,000 आपकी सैलरी होगी। अगर इसमें CTC आपकी सैलरी होगी तो जितना भी आपको जो है PF, ESI जो भी आपका इंश्योरेंस कट के आएगा तो आपको भी एक हैंडसम सैलरी इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी ये इंक्रीज हो सकती है आपके एक्सपीरियंस पे, और आपका जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, इसमें मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन नहीं मांगी है, तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस है, तो ये सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो 13,000 आपकी सैलरी देखने को मिल जाती है, तो काफी हैंडसम सैलरी है गाइस। तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने जो है अप्लाई करने का लिंक दे दिया, तो वहां से पहले आप आराम से पढ़ लीजिए, फॉर्मेट सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो अप्लाई कर दीजिए। तो गाइस अप्लाई करने के लिए लिंक को आप ओपन कीजिए, सबसे पहले आप सारा फॉर्मेट पढ़ लीजिए आराम से, जो भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो पढ़ लीजिए आप। उसके बाद जो है आप अपने डिटेल उसमें सबमिट कीजिए, अपना नाम हो गया, अपने फादर्स मदर्स का नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, और जो अपना CV एक जो है वो सबमिट कर दीजिए, और जो भी इसमें एक दो क्वेश्चन है तो उनको भी आप आंसर दे दीजिए, और जो भी आपका एम है या जो जिस तरीके से आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं फोन पे में, जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है उनको शेयर कर सकते हैं गाइज। सो डेफिनेटली गाइज सबसे पहले तो हमारा ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम जो एक जॉब के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले अप्लाई कीजिए गाइज, मैंने खुद एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, सो आप भी जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए गाइज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया, तो वहां से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं गाइज, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, फ्रेशर है, तो अप्लाई कर सकते हैं गाइज। और सैलरी आपकी 30,000 इसमें देखने को मिल जाती है मिनिमम, बाकी ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। और बात करें गाइस इसमें हायरिंग कैसे होने वाले, हायरिंग इसमें जो है डायरेक्टली आपकी जो है जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे उसके 24 से 48 घंटे में इनका रिवर्ट आएगा, HR का आपके पास कॉन्टैक्ट आएगा, और वहीं पे आपका ऑन कॉल इंटरव्यू होगा। इसमें आपके 2 से 3 राउंड होते हैं गाइस, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, फिर आपकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी गाइस। और बात करेंगे टोटली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब है गाइस, इसलिए बात करेंगे इस जॉब के प्रोफाइल की, आपका प्रोफाइल क्या होने वाला है। बेसिकली आपका एक प्रोफाइल एडवाइजर का होने वाला है, एडवाइजर का मतलब आपको जो है एडवाइज करना कस्टमर को। जैसे हम कभी कभी फोन पे से पेमेंट करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाती है या बीच में अटकती है या हम पे जो है पेमेंट नहीं आती, तो हम वो कंफर्मेशन के लिए हम कॉल करते हैं इनके कॉल सेंटर पे। बेसिकली हम ही वो एडवाइजर रहते हैं और हम ही जो है इनकी डिटेल्स को सारी चेक करके इनको इन्फॉर्मेशन देने होती है कि हाँ आपका इतना पेंडिंग अभी ये अभी
नहीं हुआ अपडेट तो ये अपडेट हो जाएगा। उनको टाइमिंग जो भी टैट होता है इनका, तो जो भी इनकी टाइमिंग्स होती है कि इतने घंटे 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा, तो वो हमें जो है बतानी है। सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग होगी गाइस। उसके बाद जो है हमारा डायरेक्टली जो है कस्टमर से इंटरेक्शन होगा, जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमें डायरेक्टली जो है कस्टमर से इंटरेक्शन किया जाएगा। डायरेक्टली हमें कोई भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक हमें प्रोसेस की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम भी कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही नॉलेज नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है हम कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली आपका एक एडवाइजर का काम होने वाला है, तो ये घर बैठे होने वाली है। सो आप जो है इफ जॉब के लिए जब कभी मेरी देख रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द इफ जॉब के लिए गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है अप्लाई कर दिया, तो आप भी जो है जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। और आपको जो है मैक्सिमम 48 घंटे का वेट करना है और 48 घंटे में इनका रिवर्ट आ जाएगा। सो यही इसमें क्राइटेरिया था। और सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि 30,000 आपकी सैलरी होने वाली है। और इसमें आपको जो है काफ़ी फोन पे आपको जो है इसमें बेनिफिट भी दे दिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, तो ये सारे जो है इसमें बेनिफिट फोन पे आपको दे दिए घर बैठे बैठे। सो डेफिनेटली गाइस मैं रिकमेंड करूंगा इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर लीजिए जल्द से जल्द गाइस। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है, अप्लाई करने का लिंक दे दिया, आप जो है वहाँ से सारी डिटेल चेक करके फिर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो यही था आज का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फोन पे हम नॉर्मली जानते हैं, नॉर्मली हम चलाते हैं गाइस, तो मैंने ये नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको जो है ये जानकारी जो है प्रोवाइड कर दी गाइस। सो डेफिनेटली गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कि इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए जल्द से जल्द। और फिर भी कोई क्वारीज है, कोई इशू है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो थैंक यू सो मच।